घर में हो चुकी है एक बड़ी लड़ाई, पर सबने पकड़ लिया कि भाई सारा फेक है। तू कंटेंट चाहिए ना, अच्छी बातों पे, लॉजिकल बातों पे मुद्दा उठा, तब तेरे को कंटेंट मिलेगा, तब तेरे को फुटेज मिलेगी। ऐसी बेफालतू की बातों पे नहीं, तू तो एम ही कर रही है। एक्चुअली मैं स्टार्टिंग से ही मुझे पता चल गया था, ये सारा अरफीन खान जो है, ये दोनों पति पत्नी जो है, बहुत ही बड़ी बड़ी बातें बोल के आए थे कि भाई हम तो माइंड गेम खेलने वाले हैं, हम तो कुछ नहीं करने वाले, हम लोगों को बैठ के ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे और माइंड गेम खेलेंगे। एक छोटी सी बात को ये सारा समझ नहीं पाए, इसी ने सोचा कि भाई सब लोग तो कॉन्टेंट दे रहे हैं, मैं तो कुछ कर ही नहीं रही हूँ, मैं तो कुछ दे ही नहीं रही हूँ, तो आखिरकार मैं तो बड़ी जल्दी निकल जाऊंगी यहाँ से। मेरा पति तो बड़ा शांत हसस के पतीले में से सिर्फ और सिर्फ प्लेट्स निकालते हुए घूम रहा है, वो चला जाए ठीक है, पर मेरे को तो यहाँ पर रहना है। बोला कुछ, समझा कुछ, और अंदर जाके ऐसे पागलों के जैसा, साइको के जैसा करने लग गई, कुछ पढ़ने लग गई, और बाहर आने के बाद अचानक ही चिल्लाने लग गई। चाहत ने भी पकड़ लिया, चाहत ने भी बोला ये एम ही कर रही है, चाहत के ऊपर चढ़ गई भाई, सारा चाहत के ऊपर बेफालतू का चढ़ गई। मुद्दा क्या हुआ पहले मैं आप लोगों को वो बताती हूँ। एक्चुअली में जो क्या नाम है इनका, श्रोधकर जो है, वो बैठी थी और उन्होंने जो है बैठ के बस ऐसे ही बोल दिया कि भाई खाना जो है प्लेट में से निकालना अच्छा नहीं लगता, और जो लोग जिम करते हैं ना उनको ज़्यादा भूख लगती है, तो वो अपना जिम जो है आधा आधा घंटा लेस कर दे, क्योंकि खाना इतना ज़्यादा नहीं है और लोगों को भूख शायद ज़्यादा लगती है जिम करने वालों को। तो इनको चढ़ गया गुस्सा, ये वहीं पर अपना बाउल पटक के अंदर चली गई, और अंदर जाने के बाद इनका गुस्सा इतना ज्यादा चढ़ा कि हम क्यों खाना कम खाएं, जो लोग जिम कर रहे हैं उनको क्यों खाना ज्यादा मिले, और गालियां निकालने लग गई हैं इंग्लिश में, और बाहर आके बोलने लग गई हैं कि अगर जिसको जिम करने वाले को भूख ज्यादा लगती है ना तो जिम बंद कर दो, फकिंग जिम बंद होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो वहां पर रज्जत भी खड़ा था, तो रज्जत बोला भाई किसी ने आपको कुछ बोला ही नहीं है, हम लोगों को खुद को खाना नहीं मिला। और शहजादा ने भी वहां पर अच्छी वाली टक्कर दी, शहजादा ने तो पहले पूरी बात सुनी और फिर उसके बाद बोला कि आप किसने खाना ज्यादा खाया उसको जाके बोलो, क्योंकि जिम मैं भी करता हूं, आप सबको नहीं बोल सकती हैं। पर सारा का कहना ये है कि भाई मैं तो सबको बोलूंगी, और वहां पर वो है ना शरोदकर, उन्होंने ये बात बोली है कि भाई जिम करने वालों को भूख ज्यादा लगती है, पर उनका शरोदकर का कहना ये है कि मैंने बोला था कि शायद, मैंने ये नहीं बोला कि जिम करने वालों को जो है बाकी लोगों से ज्यादा खाना मिलेगा, ये चीज नहीं है। ये बेफालतू का चढ़े जा रही है, बेफालतू का पूरे घर को जो है अपने सर के ऊपर उठा लिया है, जिम बंद कर दो, तुम लोगों को खाना ज्यादा क्यों मिले, ये वो ऐसा वैसा, चाहत ने बोल दिया ये फेक कर रही है। एक्चुअली में भाई इसका फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो काफी ज्यादा गलत पड़ चुका है। इसने बोला था मास्टर माइंड हैं हम, और मतलब कि माइंड्स के साथ खेलेंगे, ये अपने माइंड को जो है इतनी छोटी सी बात समझा नहीं पाई है कि वहां पर उन्होंने शायद बोला था कि भाई जिम करने वालों को शायद भूख ज्यादा लगती है, तो जिम जो है आधा आधा घंटा जो है वो लेस कर दो। और वहां पर शरोदकर बैठ के रज्जत से बात कर रही थी, ना कि किसी और से, ये चढ़ गई ऊपर और अपने ऊपर ले लिया और इतना बड़ा हंगामा कर दिया। और सारा का पति अरफीन जो है वो बाजू में खड़ा होके इतना ज्यादा हंस रहा है, इतना ज्यादा हंस रहा है, वो अपनी पत्नी का साइड तक नहीं ले रहा, जहां पर उसकी पत्नी के ऊपर पूरे घर वाले चढ़ चुके हैं कि भाई तू फेक कर रही है, कंटेंट देना है ना तुझे, तो सही लॉजिकल बातों पे दे, किसी को बोलने की तुझे जरूरत नहीं है। वहां पर करणवीर ने जो है चावल ज्यादा ले लिए थे, तभी शरोदकर ने बोला कि चावल ज्यादा ले लिए हैं, उसके लिए बोला कि प्लेट से निकालने का मन नहीं करता है, शायद जिम करने वालों को ज्यादा भूख लगती है। तो जहां पर शहजादा ने बोल दिया कि अभी जाके इसको सारा को समझाओ, इसको समझाओ, इसने शायद तो सुना नहीं है, चाहत के ऊपर चढ़ गई भैया आके, चाहत ने बोल दिया बदतमीज चल हट यहां से, और बहुत ही बड़ा हंगामा हुआ है। और सच्ची बात बोलूं, सारा
अरफीन ने जो है ये सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्रिएट किया है बेफालतू का कि भाई मैं दिख नहीं रही हूँ और मुझे दिखना है, पर इसको ये समझ में नहीं आया कि भाई इस चीज़ को बहुत जल्दी स्मार्ट कंटेस्टेंट जो है वो पकड़ लेंगे और स्मार्ट कंटेस्टेंट ने जो है ये बात पकड़ ही ली है। आप लोग भी अगर लाइव फीड देख रही हैं तो आपका रिएक्शन इस लड़ाई के ऊपर क्या था कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरा रिएक्शन क्या है मैंने तो आप लोगों को बता दिया। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।